की सेंसरशिप मशीन देश के कई शहरों में कोविड पाबंदियों के खिलाफ में जारी प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। पिछले सप्ताह से ही लोग चीन में 3 साल से जारी सख्त लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ गुस्से में हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं। लोगों के उग्र प्रदर्शन की वजह से चीन में की किरकिरी घरेलू मोर्चे पर भी देखने को मिली है और बाहरी दुनिया में भी हो रही है। चीन इसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। ऐसे में चीन व्यापक प्रदर्शन का सिलसिला उरीमची शहर में पिछले हफ्ते हुए हादसे के बाद में शुरू हुआ है। आग लगने से उस घटना में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और बहुत से लोगों का मानना है कि कोरोना को लेकर सख्त प्रतिबंधों की वजह से लोग आग लगने के बाद अब बाहर तक नहीं आ पा रहे हैं।